हम पर भी हज फ़र्ज है। कुरान करीम की आयत है, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। इस आयत से हज की फर्जियत साबित होती है। ये बात हमें वाजह कर लेना चाहिए। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जाते हैं, लेकिन हमारे देहात में कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि हज किस पर फ़र्ज है, या जो है कि हम पर हज फ़र्ज है मालूम नहीं है। उन लोगों के बारे में आप ज़रा इस तरह से वो तफसील के साथ समझ में बात आ जाए कि हम पर भी हज फ़र्ज है। कुरान करीम की आयत है, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। इस आयत से हज की फर्जियत साबित होती है। ये बात हमें वाजह कर लेना चाहिए, हर उस शख्स के पास जो कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और ज़रूरत के बक़द्र अपने अहल आयाल को ख़र्चा उस वक्त दे सके, जो हज के सफ़र में जितने पैसे और जितने रकम खर्च होते हैं उतना रकम उसके पास मौजूद हो, आने और जाने का ख़र्च उसके पास हो, नीज़ अपने अहल आयाल को भी वो उन दिनों में ख़र्च देने पर कादिर हो, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। इजमाली तौर पर यह समझ लीजिए कि ऐसा शख्स जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और इतना रकम उसके पास मौजूद हो कि जिसके वजह से उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होते हो, यानी हज के सफ़र में जो खर्च आते हैं उनके टिकट के खर्च से लेकर सारे खर्च जो उमूमी तौर पर जो है मशहूर व मारूफ़ है, या आप किसी से पूछ सकते हैं, उतना खर्च अगर उसके पास मौजूद है उसके ऊपर हज फ़र्ज है, बशर्ते के वो शख्स अपने अहलो आयाल को भी उस दौरान ख़र्च देने पर कादिर हो। जैसे कि यह सीधी सी बात है कि यानी कुछ आदमी जैसे क्या कर्ज लेकर के हज को जाए, या अगर वो आदमी हज को जा रहा है लेकिन वो अपने घर वालों को ख़र्चा दे नहीं सका, या कर्ज़ लेकर के हज को जाना, बहुत सारी बातें हैं, तो इसके लिए क्या हुक्म है शरीयत? शर्त है शरीयत में कि अपने अहलो आयाल को या जो उसके ज़िम्मे में जितने लोगों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है उनका खर्च वो उस दौरान हज दे सके, उसके बाद और साथ ही आमदो रफ्त का ख़र्चा उसके पास हो, वो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है जितना जो है सफ़र का ख़र्चा उसके ऊपर बनता है। बाकी अगर उसके पास जो है जो रकम है वो उसका ख़ुद का होना चाहिए, कर्ज़ लेकर या मकरूज़ होकर हज करना शरीयत में कहीं से भी जायज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक से वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।